तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि कुशल टंडन की आने वाले शो यानी बेहद 2 में एंट्री होने वाली है। जैसा कि आपने कुछ एपिसोड देखे हैं और एपिसोड के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि कुशल टंडन ने सीजन 1 किया था, सीजन 1 बेहद सीजन 1 में, जो कि कुशल टंडन के साथ में जेनिफर विगेट ने काम किया था, और कहीं ना कहीं वो शो सुपरहिट साबित हुआ। अब सुपरहिट साबित होने के बाद सीजन 2 आप लोगों ने बेहद देखा था, जिसमें कि आशीष चौधरी, शिवन, नागिन, जेनिफर विगेट आदि टीम काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये शो भी सुपरहिट होता दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ जिस तरीका से कुशल टंडन और उनकी कमी एक महसूस हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं मेकर्स भी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुशल टंडन को इस शो में बहुत ही जल्दी लिया जाएगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कुशल टंडन के साथ साथ में उसमें अनारी की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक सांझ का किरदार निभाया था। सोनी टीवी का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शो में से गिने जाने वाला शो था बेहद। बेहद के बाद की बात करें तो बेहद सीजन में हालांकि काफ़ी इस टाइम काफ़ी अच्छा मोड चल रहा है, क्योंकि आशीष चौधरी एक फिल्मी एक्टर और उसके साथ साथ में वो टीवी एक्टिंग इतनी गजब की कर रहे हैं, क्योंकि वो माया मैडम से टकराते नजर आ रहे हैं। और माया मैडम की बात करें तो माया मैडम की एक अलग ही, आपको पता है कि अलग ही टकरार देखने को मिलती है, चाहे वो सीजन 1 में देखने को मिली हो या अब तो आपको सीजन 2 में देखने को मिल रही है, क्योंकि माया मैडम का एक किरदार सुपरहिट किरदार में से गिना जाता है, और कहीं ना कहीं ये किरदार चर्चित किरदार में से गिना जाता है। लोग इस किरदार को देखने के लिए काफ़ी तरसते हैं। आपको बता देता हूँ कि माया मैडम के साथ साथ में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो कि लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया, और कहीं ना कहीं इस बात से लोग काफ़ी खुश भी हैं कि वो किरदार सबको काफ़ी पसंद भी आया था। सीजन 2 में बदलाव होने वाले क्या क्या हैं, तो सीजन 2 के में बदलाव आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सीजन 2 में काफ़ी बदलाव ऐसे दिखाए जाएंगे आपको जो कि आपको काफ़ी अच्छे भी लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक तरीका से मेकर्स की माने तो मेकर्स ये भी चाह रहे हैं कि कुशल टंडन की एंट्री में एक सस्पेंस दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सस्पेंस दिखाया जाता है तो लोग उस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हो रहे हैं, क्योंकि कुशल टंडन की एक्टिंग के हर कोई कायल है, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग के पूरी पब्लिक ही दीवानी है। कुशल टंडन ने अपनी लाइफ में काफ़ी शो किए हैं, और काफ़ी शो में उन्होंने बहुत ही अच्छे शो किए हैं, जैसे कि 1000ों में मेरी बहन, मतलब काफ़ी इस तरीका के शो किए हैं। उनकी एक पॉपुलरिटी और उनकी एक कामयाबी सभी को पता है कि उन्होंने जो भी काम करते हैं वो दिल के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनको काफ़ी महान एक्टर से में भी गिने जाते हैं, क्योंकि टीवी के काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे एक्टर में से शुमार हैं कुशल टंडन। कुशल टंडन की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी टीवी सीरियल किए हैं और उनको हर एक का एक्सपीरियंस। वहीं जेनिफर विगेट की बात करें तो जेनिफर विगेट भी एक अच्छी सक्सेस एक्टर नीन में से गिनी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने की आज तक की बात करें तो टीवी एक्टर नीन में सभी ज़्यादा फीस वसूलने वाली एक्टर नीन भी बन चुकी हैं, और उनका नाम एक अलग ही दर्ज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जितने भी आज तक टीवी शो किए हैं कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को भी पता है कि लोग उन्हें हर एक अदा में, हर एक एक्टिंग में उन्हें परफेक्ट मानते हैं, और परफेक्ट मानने की वजह भी आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि हर एक उनमें उनको एक अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आपका फेवरेट सीरियल बेहद सीजन 2, जो कि सोनी टीवी का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शो में से गिना जाता था, वो अब आपको बहुत ही जल्दी उसमें कुशल टंडन की भी एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि कुशल टंडन ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया नहीं है इस शो में लौटने के लिए, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुशल टंडन बहुत ही जल्दी इस शो में लौटेंगे। किस तरीका से लौटेंगे अब वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सस्पेंस देखने को मिला था। सस्पेंस की बात करें तो जेनिफर और विगेट और कुशल टंडन, जो कि जेनिफर विगेट माया मैडम की भूमिका निभा रही थी, वहीं अर्जुन शर्मा की भूमिका निभा रहे थे कुशल टंडन। तो इन दोनों की पर्सनल बात करें तो पर्सनल इन दोनों में काफ़ी अच्छी एक दोस्ती और काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग है, जो कि आपको बता दूँ जेनिफर विगेट की हर किसी आदमी के साथ में एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, शायद हर्ष के साथ में इनके काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, या फिर अब कुशल टंडन के साथ में इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग की बात करें तो जेनिफर विगेट एक ऐसी एक्टर नहीं है, क्योंकि हर किसी को फिदा है, हर किसी को अच्छी लगती है, क्योंकि जेनिफर विगेट की एक्टिंग सभी को पसंद आती है, और हर कोई एक्टिव एक्टर उनके साथ में काम करने के लिए हर टाइम बेताब रहता है।
वो उनकी एक दिलचस्पी बात आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी ऐसे किसिंग सीन भी दिए हैं कि लोग आज तक भी उनके वो किसिंग सीन याद रखते हैं, और कहीं ना कहीं उस याद रखने की बात भी आपको पता वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने हर एक इंसान को काफ़ी सपोर्ट किया, और सपोर्ट की बात करें तो उन्होंने हमेशा से ही सभी एक्टर्स को सपोर्ट किया है, और उन्होंने अच्छे बुरे दौर भी देखे हैं जेनिफर विगेट ने। जेनिफर विगेट की बात करें तो सीजन टू बेहद में वो अच्छे और बुरे दौर से गुजर रही हैं। जिस तरीका से स्टोरी आप देख रहे होंगे, आशीष चौधरी द्वारा ये स्टोरी देखी जा रही है, क्योंकि आशीष चौधरी का एक मुख्य मेन रोल है उसमें एमजे का, ठीक है। तो एमजे की एक अलग ही भूमिका देखने को मिल रही है, जो कि लोग उस भूमिका की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तारीफ की वजह भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि जिस तरीका से उनकी एक अलग बॉन्डिंग देखने को मिली है, शायद ही किसी की देखने को मिली हो। आपको मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी आप इस सीरियल का दूसरा हिस्सा भी देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने पहला हिस्सा देखा, लेकिन दूसरे हिस्से में इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों के बारे में बता देता हूँ। तो फिलहाल आशीष चौधरी की बात करें तो आशीष चौधरी एक अच्छा किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक सुपरहिट किरदार में से गिना जा रहा है। कहीं ना कहीं आशीष चौधरी और शिवन नागिन की एक अलग ही भूमिका निभाई जा रही है। हालांकि जेनिफर विगेट की बात करें तो उनकी हर एक एक्टिंग के लोग काफ़ी दीवाने हैं, और कहीं ना कहीं हर एक पल उनको देखना चाहते हैं। ऑडियंस फैन फॉलोइंग की बात करें तो आशीष चौधरी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वो फिल्मी एक्टर में भी गिने जाते हैं। आशीष चौधरी के साथ साथ में और भी कुछ ऐसे एक्टर हैं कि जो एक अलग ही तरीका से गिने जाते हैं, क्योंकि आशीष चौधरी तो एक फिल्मी एक्टर में से गिने जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं जेनिफर विगेट की, तो जेनिफर विगेट एक टीवी एक्ट्रेस होते हुए भी आशीष चौधरी से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि जिस तरीका से उन्हें माया मैडम का किरदार देखने को मिला था, उस तरीका से शायद नहीं देखने को मिला हो। लेकिन इस तरीका से आपको मैं बता देता हूँ कि आशीष चौधरी की एक अलग ही भूमिका देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं लेकिन जल्दी ही आपको इसमें एक नया रोल देखने को मिलेगा, जो कि रोल वो सुपरहिट रोल में से भी गिने जा सकता है, क्योंकि आपको पता कि आपके फेवरेट स्टार यानी अर्जुन इसमें द्वार से एंट्री करने वाले हैं। अर्जुन की जो भूमिका निभा रहे थे कुशल टंडन, इसमें भूमिका निभा रहे थे, और कुशल टंडन जिस तरीका से भूमिका निभा रहे थे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कुशल टंडन इस शो में बहुत ही जल्दी एंट्री करने वाले हैं। कुशल टंडन की बात करें तो कुशल टंडन के साथ साथ में और भी काफ़ी किरदार ऐसे हैं इसमें कि जो कि एक अलग तरीका से एंट्री कर पाएंगे। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कुशल टंडन के साथ साथ में और कौन इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इसके साथ साथ में जैसे कि जेनिफर विगेट का तो मेन किरदार हो गया, जो कि आपको पता ही चल गया होगा कि जेनिफर विगेट का एक मेन और एक अहम किरदार देखने को मिलता है, जो कि लोगों ने उस किरदार को हमेशा से ही पसंद किया था, और कहीं ना कहीं पसंद करने की बजाय भी आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि कुशल टंडन और जेनिफर विगेट की जो एक स्टोरी दिखाई है मेकर्स ने उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई है, जो कि हर एक मोमेंट्स हर एक एंगल जो कि सुपर हिट रहा है, कहीं ना कहीं इसी की वजह यही है। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ, अनारी जो कि उन्होंने एक अलग रोल निभाया था, जो कि वो रोल सुपर हिट रोल रहा था, और हर एक ने वो पसंद भी किया था, क्योंकि सांझ का किरदार था, सांझ का किरदार भी सुपरहिट किरदार में से गिना जाता है। सांझ ने भी एक अलग किरदार निभाया था, जो कि लोगों ने उस किरदार को भी काफ़ी चर्चित किरदार में से शुमार है, और वो भी पसंद किया गया किरदार था। तो आपको क्या लगता है कि इस शो में कुशल टंडन की एंट्री होगी तो क्या ये शो और भी अच्छा चल पाएगा? क्या आप कुशल टंडन को मिस कर रहे हैं? आपकी जोड़ी जो सीजन टू में दिखाई जा रही है, क्या आपको ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही? आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको जो भी आपकी इंक्वायरी है, आप मेरे को हर एक इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरीका का आपका रोल प्ले किया जा रहा है, शायद ही पहले किया गया हो, क्योंकि जेनिफर विगेट और कुशल टंडन की जोड़ी से बेस्ट जोड़ी नहीं गिनी जाती। हालांकि एक कोशिश चल रही है कि इनकी जोड़ी सुपरहिट हो, लेकिन दोस्तों आपको अपनी राय बतानी है आपको कि क्या लगता है, जेनिफर विगेट जो माया मैडम के रोल में दिख रही थी, क्या वो जोड़ी सुपरहिट जोड़ी में से गिनी जानी चाहिए? क्या उसको सभी का प्यार मिलना चाहिए? तो दोस्तों आप अपनी राय मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और बताइए आपको कि आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी थी, आप फेवरेट मोमेंट्स कौन सा था, क्योंकि आप अपनी राय मेरे को बतानी मत भूलिए। आपकी हर एक राय को हम अपना फीडबैक समझेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है, और कहीं ना कहीं वो फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जिस तरीका से हमेशा से ही आपने मेरे को सपोर्ट किया और प्यार दिया, तो वो ही प्यार आप मुझ पर बनाए रखिए। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना, अपना फीडबैक हर एक फीडबैक मेरे को
देते रहिए। और साथ के साथ ही बेहद में जैसे ही कुशल टंडन की एंट्री होगी, सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कुशल टंडन की एंट्री किस तरीके से होगी और कैसे कौन इसमें एंट्री कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप राय दीजिए और आपने मेरे को प्यार दिया उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइस, लव यू।